दो यूट्यूबर की लड़ाई दो यूट्यूबर की लड़ाई हो चुकी है। एक्टिंग है। ये की चैलेंज कर रहे हैं की डू यू हैव मी आर यू राइटिंग की। अरे भाई रोक ले साले कुत्ते। इनका की चैलेंज फेल हो गया, अभी पीछे भाग के आ रहे हैं। इनकी भर्ती की तैयारी चल रही है उम्र निकलने के बाद। क्या बात करते हैं यार। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये झूला पुल है काफी तगड़ा और काफी बड़ा मस्त। इससे होते हुए जाना हमने कार, हम भी जाना तो गए ना हमने। अरे वाह सिंगल। अबे यार ये तो कार के लिए जाने का है क्या? जा तो रही है, रोड तो बनी है पक्की। वाह जी वाह, मजा आ गया। तो हम टीरी डैम पहुंचने वाले हैं और उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं यहाँ का जो पानी क्षति हुई है इस जगह को, टीरी को। काफी गांव डूबे थे यहाँ। और रोहित भाई आप बता सकते हैं, मतलब ये देखिए पहले रोड वाली नीचे वाली थी, देखिए अब उसके ऊपर ये बनाए उन्होंने। देख सकते हैं आप, तो इसमें बहुत नुकसान हुआ है, सरकार का नुकसान भी हुआ है, संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, लोगों का गांव की चुके हैं, गांव को भी नुकसान हो चुका है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि विकास के साथ विनाश, विकास विकास कम हुआ है, विनाश ज्यादा हुआ है। विकास कुछ टाइम का है पर विनाश तो फिर विनाश आप देख सकते हैं, सारे खेत बंजर हो चुके। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, जैसे पूरा मतलब फिसल रहा है, पूरी मिट्टी मतलब धस रही है जमीन। उधर पहले लोग खेती करते थे, अब वहाँ देखो धस गया, आधा छोड़ दिया लोगों ने, फिर यहाँ ऊपर आ गए हैं। अब कुछ टाइम बाद ये भी धस जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे लोग? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, खत्म हो गया यार मैं तो। और एक यूट्यूबर हमारे दोनों भाई उधर लगे पड़े फुसुर फुसुर कर रहे हैं। तो अभी इनका भी मतलब इनसे भी थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनका। ये अपने चैनल के लिए तो कुछ कर ही रहे हैं, पर मैं दिखा देता हूँ इनका। यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी इस टीरी डैम। बोले भाई कब बोलेगा, रात पड़ जाएगी तब तक तो। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में रे हरामी है? ये हमारे कॉम्पिटिटर है, इनको अनसब्सक्राइब करे प्लीज गाइस। ट्रेवल विद भंडारी को अनसब्सक्राइब करे हर करें। जली ना तेरी भी जली ना। यार अभी पूछने भाई ये कौन सा होगा एक्चुअली। ये हमारे कॉम्पिटिटर है, इनको अनसब्सक्राइब करे प्लीज गाइस। ट्रेवल विद भंडारी को अनसब्सक्राइब करे हर करें। और ये अभी पूछ रहे हैं भाई रूट कौन सा होगा है कि नहीं। हमारे ब्लॉगर को वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ जैसे कि पूछ रहे हैं है कि नहीं है। ये सुख दुख के साथ ही हमारी इसका तो बनता है भाई, बनता है, तेल भी नहीं है तो है। ये जो डैम है टीरी डैम, ये टीरी गढ़वाल में उत्तराखंड के, और ये एशिया का सबसे ऊंचा डैम है। आप देख सकते टीरी डैम बोरा, और इतने गांव डूब रखे हैं यहाँ नीचे, दिख भी रहे हैं आपको आधे आधे, अब तो क्या दिखेंगे, काफ़ी टाइम हो गया तब से। और यहाँ पे देखिए रोहित भाई शूटिंग करते हुए, और वो अपनी कार पे पत्थर लगा रहे हैं कहीं पीछे ना खिसक जाए, भरोसा नहीं है उसको। और वो होती है वहाँ बोटिंग होती है वहाँ पे टीरी झील की बोटिंग, और वो रहा ऊपर चंबा हमारा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चंबा में, और हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक भंडारी और रोहित भंडारी, और ये है चंबा। जा रहे हैं अभी झील की तरफ जहाँ होती है बोटिंग, तो दिखाते हैं आपको बोटिंग का बढ़िया सा नज़ारा और टिहरी डैम, पूरा चंबा आपका, ये पूरा चंबा है ऊपर तक। दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ मैं ये अद्भुत से नंदी जी। मिला हमको आज एक नया दोस्त जो कि सेम मोहित भाई की तरह लग रहा है, दोनों का कपड़े सेम है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अंदर बुला रहे हैं उसको, कह रहे हो चलो बाय करते हैं भाई, चाचा बुला बाय, चाचा कर दो चला जाता हूँ। Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you. तो अभी मैं हूँ टीरी झील में, और आपको दिखा देता हूँ टीरी झील का नज़ारा। काफ़ी डेवलप हो चुका है यहाँ, अभी हाल ही के 2-3 सालों में यहाँ काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। ये बोटिंग रेट लिस्ट है, आप इसके अनुसार यहाँ घंटे के हिसाब से पैसे पड़ते हैं। इधर जाना है। मुझे अब
अपने घर जाना है। वैसे यहाँ बोटिंग करने गर्मियों में आए तो अच्छा रहेगा, ठंडियों में तो ठंड लगती है। यहाँ टिहरी झील में रुकने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, तो आपको यहाँ रुकने के संबंध में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हम पहुँच चुके हैं टिहरी डैम के गार्डन में, काफ़ी बढ़िया लग रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल, गार्डन गार्डन पर। तो CISF की फौज कर रही है इसकी रखवाली, टिहरी डैम है ये। और हम तो हम पहुंच चुके हैं डैम में, प्रवेश कर चुके हैं डैम के ऊपर, चल रही है गाड़ी, डैम के ऊपर ही पुल बना है गाड़ियों के आस पास करने के लिए, मतलब गाड़ियों को साइड से उस साइड भेजने के लिए डैम के ऊपर पुल बना हुआ है, दोनों काम कर रहा है, ये पानी को भी रोक रहा है। और वैसे वंचित है फोटोग्राफी तो, लेकिन हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वेलकम के फट्टे निकल गए। तो हम पहुंच चुके हैं सबसे ऊंचे बांध पे पहुंच, जो कि विश्व का पांचवें स्थान पे ऊंचा बांध है इसके, और निर्माण की वो तिथि थी, वो कब हुई थी रोहित दा, आप बोल रहे थे आपको कुछ नॉलेज था। 1978 में इसका कार्य शुरू हुआ था। और संपन्न कब हुआ था इसका, मतलब संपन्न हुआ था 2006 में। 2006 में मतलब कितने सालों में संपन्न हुआ इसका? 28 साल। अच्छा 28 साल, तो दोस्तों आप सुन सकते हैं रोहित भाई की मुंह जवानी 28 साल में संपन्न हुआ इसका कार्य, 28 साल लग गए मतलब इस डैम को बनने में। और आप देख सकते हैं कितना ऊँचा है ये, इसके नीचे से देखिए यहाँ रोड गई है अंदर, यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं टनल की खुदाई वगैरह करते हैं वो सब, उनके रूम जो हैं वो इसके नीचे हैं, यहाँ इसके अंदर मतलब कमरे रूम बने हुए हैं, वो देख सकते हैं आप इतना गहरा है नीचे, वहाँ थी मतलब नदी रही होगी वहाँ, तो इतना ऊंचा बना रखा है बांध, तभी तो ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम। और उस साइड है आपका न्यू टिहरी, और तो न्यू टिहरी वो रहा आपका नया टिहरी, और जो पुराना टिहरी था वो इधर यहाँ पे था जो डूब चुका है अब, कुछ भी नहीं। टिहरी डैम की ऊँचाई जो 8,800 क्या, टिहरी डैम की ऊँचाई 844 फीट है, अब तो लगा सकते हैं आप 844 फीट तो काफ़ी ज़्यादा है। वो पूरी रोड है जो यहाँ से नीचे वहाँ पूरी जा रखी हो, नीचे गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ भी, ये सरकारी कर्मचारी हैं जो भी है, मतलब यहाँ इनकी ड्यूटी वगैरह होगी। और वहाँ रोहित भाई इसको बनने में मतलब जो 26 साल लगे इसमें खर्चा कितना आया? $1 billion खर्चा, $1 billion उस टाइम पे, बताओ आज उस टाइम का $1 billion लगा है इस डैम में बनने में। $1 billion तो इस पर सरकार ने खर्चा किया, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ इससे। रोहित भाई इससे मतलब कुछ जब डैम बना है तो इधर आस पड़ोस में कोई गांव तो रहे होंगे? बहुत गांव डूबे हैं, बहुत कई सौ गांव डूबे हुए हैं करीब करीब, यहाँ तो पीछे आपने देखे नहीं है पहाड़ डूबे हुए हैं, और 40 फीट मतलब समझ सकते हो आप कितना ऊंचा, जिससे कि अभी भी पीछे बहुत गांव हैं जो खतरे की उसमें है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास उत्तरकाशी तक के साथ विनाश बड़ा पड़ा है पूरा ना, इसका पानी का फैलाव उत्तरकाशी तक है, चिन्नारी में। जब अभी हम आ रहे थे वहाँ से उधर से तो देखा हमने कि पूरा मतलब जो गांव है डूब रखे हैं, और कुछ गांव अभी डूबने वाले हैं। और वो टनल खुदा हुआ वहाँ, ऐसे काफी टनल होंगे यहाँ नीचे जहाँ से बिजली। तो रोहित भाई अभी आप इस मतलब डैम पहली बार दिखा, आपने पहली बार आए ना यहाँ? मेरा तो तीसरी चौथी बार है शायद, ये दोनों लोग पहली बार आए हैं, और दो भाई बंधु आगे जो हैं ड्राइवर हमारे वो भी आ चुके हैं मेरे साथ काफ़ी बार।